हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से बात करने वाली हूँ जुपिटर की, यानी गुरुदेव की, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन एरीज। 22 अप्रैल 2023 को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर ये 1 मई 2024 तक रहने वाले हैं। ठीक, ऑलरेडी से मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ही गुरु राहु के कंजक्शन में आते हैं तो गुरु का चांडाल योग का एक निर्माण होगा वहाँ पर, और ये हमें हर तरह से हमारे सारे जोड़े को इफेक्ट करने वाला है। उसके अलावा मैंने कुछ रेमेडीज भी आपको दी थी, वो मैंने आपको कल बताया था, मतलब मेरी लास्ट वीडियो में बताया था। दोस्तों, एरीज जो है, ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि आप फर्स्ट साइन है जोड़े का, जो हमारी गार्लैंड है या स्टार्टिंग जो एरीज से होती है। नया समुद्र भी लग चुका है और गुरु का एक जनरेशन चेंज होता है जब वो एरीज में जाते हैं। आने वाले 13 ईयर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जब सारा पूरे जोड़े को कवर करते हैं तो अराउंड 13 ईयर्स यानी 13 साल के लिए कवर करते हैं। तो ये सारा स्टार्टिंग एक ब्यूटीफुल स्टार्टिंग और एक आइकन से, मैंने जैसे बताया कि नया जनरेशन स्टार्ट होने वाला है बिकॉज द गुरु। गुरु क्या है? गुरु जीव कार का है, हमारा जीव यानी हम खुद है, प्राण वायु। गुरु ऑक्सीजन है और हमारे को प्राण वायु उसी से मिलती है, यानी हम जीते गुरु की वजह से ही। ठीक है, अब ये हुआ एक नया और एरा। उसके अलावा गुरु का जोड़े परिवर्तन तो हो ही रहा है, राशि परिवर्तन तो हो ही रहा है, उसके अलावा उनका नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। ऑलरेडी रेवती नक्षत्र में है, ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। अब गुरु आ जाएंगे, फर्स्ट जो नक्षत्र है हमारा दैट इज अश्विनी नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है। ठीक है, अब अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया हुआ है हमारी वीडियोज में, मैं अब थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल बताना चाहूंगी। जब अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो अश्विनी कुमार से रिलेटेड वो चीज होती है। अश्विनी कुमार जो है, दे आर द ट्विंस। ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव नक्षत्र है आई कैन से। उसके अलावा एक हीलर्स है, एक हील करते हैं, वेरी स्पिरिचुअल नक्षत्र है, वेरी स्पिरिचुअल, और केतु इसका स्वामी है। तो दैट इज अमेजिंग, एक आई कैन ट्रांसफॉर्म आपको फील हो जाएगा गुरु जब ट्रांजिट करेंगे ही नहीं। ठीक है, सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली हूँ, मेरे लास्ट वीडियो मैंने काफी डिटेल्स में बता चुकी हूँ गुरु ट्रांजिटिंग के बारे में। अब सिर्फ इस वीडियो में मैं कस्टमाइज करने वाली हूँ सारे जोड़े साइन को। उसके अलावा आपको मैं एक एक टिप या आइकन से अलर्टेशन भी बताने वाली हूँ साथ में, ताकि आपको इस पूरा जो आइकन से ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द गुरु, तो आपको क्या अलर्ट रहना पड़ेगा या आपको क्या नहीं करना है या आपको क्या करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ताकि हम उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। लाभ फायदे से मतलब मेरा ये है कि गुरु की ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी और गुरु का एक सम्मान जो है वो हमें मिल सके, दैट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, एरीज में जा रहे हैं, एरीज ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा आई कैन से एनर्जेटिक जोड़ियक होता है बिकॉज ऑफ द मंगल उसकी प्रधान राशि है, और मंगल और गुरु वेरी गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मंगल और गुरु का अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है। मंगल बहुत ही ज़्यादा एक सोल्जर है, स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव नेचर है, और गुरु है शिक्षा कर देने वाला है, यानी कि टीचर। ठीक है, तो जैसे ही गुरु मंगल की राशि में जाते हैं, कहीं ना कहीं एक एनर्जी हम लोग फील करेंगे कि हाँ, अब सब कुछ बदल रहा है। अभी गुरु का गंडांता योग भी चलेगा या चल स्टार्ट होने हो जाएगा अप्रैल में, तो क्योंकि जैसे ही वो वाटर साइन से चेंज होकर के फायर साइन में जाते हैं तो एक गंडांता पीरियड आता है बीच में, उसमें सारा आई कैन से रिवोल्यूशन, रिवाइवनेशन सारा स्टार्ट हो जाता है फॉर ऑल द प्लैनेट्स, और वो सबको इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस की स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की, एरीज वालों के लिए ये, एरीज वालों के लिए ये जो ट्रांजिटिंग होने वाला है, इसमें एरीज के फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट हाउस, यानी कि आपका जो मेन असेंडेंट है, उसी में जुपिटर ट्रांजिट करने वाला है। ठीक है, क्या असर होने वाला है एरीज की बात अगर मैं करती हूँ, देखिए आपके फर्स्ट हाउस में गुरु आने वाले हैं, सबसे पहले तो आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। ऑलरेडी वहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होने के कगार पे आएगा। यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी पॉजिटिव, यू फील वेरी थॉट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, वेरी आई कैन से स्पिरिचुअल लेवल में आपका सोच विचार चेंज होगा। जब राहु ऑलरेडी से वहाँ कमांड कर रहे थे तो कहीं ना कहीं राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करके चल रहे थे, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन अब आगे गुरु, तो गुरु का इन्फ्लुएंस आपको मिलने वाला है। गुरु आपके 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है,
अब एरीज वालों की कालकुशा कुंडली होती है तो ऑलरेडी से ही गुरु जैसे फर्स्ट हाउस में आते, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ होना या आपकी किस्मत का आपको जागृत होना फील होगा, क्योंकि गुरु जो है किस्मत के भी कारक होते हैं बहुत बड़े। ठीक है, अब गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है, एक पॉजिटिविटी यू कैन फील इन योर ओन पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं आपको एक बढ़ोतरी फील होगी इन एवरीथिंग। देखिए राहु ऑलरेडी सिटिंग देयर एंड नाउ जुपिटर वहाँ आ गए हैं, तो दोनों ही प्लैनेट मिलकर के बूस्ट कर रहे हैं आपको, आपकी दिमाग को, आपकी सोच विचार को, आपकी लाइफ को। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी हर चीज़ को फैलाएंगे इस समय, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका वो एजुकेशन हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आप खुद हो, या आपका जो सोच विचार है टूवर्ड्स योर लाइफ चेंज होगा, एक पॉजिटिव नेचर आपके अंदर आएगा। अगर अभी तक आप थोड़ा कुछ आपकी सोच विचार में ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं क्या करूं या फंसा हुआ फील कर रहे थे, किस्मत का साथ आपको मिलेगा क्योंकि नाइन्थ हाउस के कारण नाइन्थ हाउस के भी स्वामी हैं आपकी लाइफ में, एरीज वालों की बात की, ठीक है। उसके अलावा ट्वेल्थ हाउस के भी स्वामी हैं, कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ होना या आपको कोई अगर टूवर्ड्स आपकी जो बिजनेस है उस चीज़ को आप फैलाएंगे इन योर विदेशों में, या ऑलरेडी से अगर आप कोई बिजनेस में हैं उसको अलग अलग ब्रांचेस में फैलाना, नया बिजनेस स्टार्ट करना या अलग तरीके से अपनी लाइफ के बारे में सोचना। देखिए फर्स्ट हाउस कंप्लीट आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए आया है, आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपके टूवर्ड्स जो भी लोग हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आई कैन से पॉजिटिविटी फील होगी, और उसके अलावा स्पिरिचुअल होंगे, ट्रिप्स लगाएंगे तो मंदिरों में लगाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए जॉली ये चेंज होगा। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, जैसे मैंने बताया किस्मत का साथ मिलेगा, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपके जो सबॉर्डिनेट जो चारों तरफ के लोग होते हैं वहाँ से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी है, मनी भी बढ़ने की संभावना है, उसके अलावा आपका पैसा भी आप जोड़ेंगे, फैमिली से भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट अमेजिंग होने वाला है, लेकिन ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था लास्ट मेरी वीडियो में कि इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में जो है वो गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है, अक्टूबर तक थोड़ा सा आपकी जो सोच विचार है उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टी आप फील करेंगे, लेकिन आफ्टर अक्टूबर देखिए गुरु आ रहे हैं तो असर तो पॉजिटिव करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्टी लगेगा सोच विचार में, बट अगर आप थॉट सोचेंगे मतलब सोच आपकी जो है स्पिरिचुअल की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, अपने बिजनेस में या किसी भी काम में निगेटिव वे को देखकर या टेम्परेरी गेन को देख करके आप काम नहीं करेंगे, पहली चीज तो ये। उसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई इंसान नया भी आ रहा है, आपकी आई कैन से कोई पार्टनर चेंज कर रहे हैं या लव अफेयर्स की बात हो रही है, तो वहां भी आपको बहुत ईमानदार रहना है, भी मेन बात ये है, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा हो, चाहे मनी की बात अगर मैं करती हूँ आपकी या विदेशों की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात अगर मैं करती हूँ, तो एरीज वालों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बी ऑनेस्ट इन एवरी फील्ड इन योर थॉट प्रोसेस, षड्यंत्र करके या किसी का जुगाड़ करके या टेम्परेरी गेन की वजह से कोई भी काम आप शुरू ना करिए, अदरवाइज ये जो समय है आपका एरीज वालों के लिए अथाह अच्छा होने वाला है और गुरु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देने के लिए इस समय आ रहे हैं। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल और अपने खर्चों को संभालिए, ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की, टॉरस वालों के लिए जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है ट्वेल्थ हाउस में, गुरु चैनल बन रहा है टॉरस वालों के ट्वेल्थ हाउस में। उसके अलावा टॉरस वालों के लिए गुरु जो है वो आपके एट्थ हाउस के और आपके इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है जी, यस है ना। अब हो क्या रहा है ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है, सबसे पहले तो आपको खर्चा बढ़ने की बहुत ज़्यादा आसार है। देखिए इनकम हाउस का जो स्वामी जाकर के ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया तो आय की कमी होगी कहीं ना कहीं और वह ज़्यादा होने की तैयारी में है, टॉरस वालों की बात करूँ, ठीक है। लेकिन इस समय आप अपने व्यवसाय को या आपकी जो वर्क है, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं या आप विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों से बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं, ट्वेल्थ हाउस इस वक्त आपका बहुत ओवरलोड तरीके से एक्टिव हो रहा है, टॉरस वालों की बात करूँ, ठीक है। ऑलरेडी राहु सिटिंग है, अब आगे जुपिटर आ गए हैं, दोनों ही जो प्लैनेट है वो फैला देते हैं हर चीज़ को, बूस्टअप कर देते हैं, एकदम बूस्टअप कर देते हैं उस चीज़ को, तो इस वक्त आपका ट्वेल्थ हाउस बहुत ओवरलोड तरीके से बूस्टअप हो रहा है, ठीक है। विदेशों से अच्छे संबंध बन सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, ट्रिप लगा सकते हैं, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नेटवर्क भी विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं, मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, अगर आप कोई ऐसी विद्या सीखना चाह रहे थे या कोई काम सीखना चाहते थे जो कि विदेशों संबंध रखता है
तो इस समय हो सकता है कि आपको वो सीखने का मौका मिले, कोई कोर्स है, कोई सम कोई ट्रेनिंग है लाइक, ऐसा आप कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा टॉरस वालों की बात करना चाहूँगी मैं, इस समय आपको विदेशों से कोई ऐसा गुरु भी मिल सकता है, कोई गाइड मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा अपने आपके लाइफ में, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू अगर मैं फॉरेन की बात करती हूँ, अब्रॉड की बात कर रही हूँ तो। बट आप जैसे मैंने बताया कि आपकी आय का स्वामी जो वह चला गया, खर्चा अथाह बढ़ने की संभावना है। अभी आप विदेश जाएंगे तो नेचुरली आप खर्चा तो करेंगे, लेकिन इस समय आपके इनकम सोर्सेज में कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। उसके अलावा आपके एट हाउस का स्वामी भी है, कहीं ना कहीं आपको डूबत जैसी फीलिंग भी आ सकती है इस समय। स्पेशली अगर मैं आपके इन लॉ साइड की बात करूँ, या एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी की, या वसीयत की, या मनी की बात करती हूँ, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगने की संभावना है, मनी डूबने की संभावना है और इनकम भी लेस होगी। आपको टॉरस वालों को मैं एक टिप देना चाहूँगी इस समय, ये जो आपको स्पेशल लेना है, उसके अलावा सबसे बड़ा टिप जो आपके लिए वो है कि बुरी आदतों से आपको दूर रहना है। और ये समय जो है टॉरस वालों के लिए कोई चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की संभावना इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको अपने थोड़ा करेक्टर पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबकी बात नहीं करी, फॉर कुछ मोस्टली लोगों की बात करी। उसके अलावा खर्चों को भी संभालना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्थ को भी संभालना पड़ेगा, ठीक है। टॉरस वालों को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि आपकी आय में या इसमें थोड़ी सी घटाव आपको फील हो सकता है। जब मैंने इस वालों की बात करूँ, जब मैंने इस वालों को 11th हाउस में ट्रांजिट करें, सबसे पहले तो आपको अभी तक की अगर कोई एंजाइटी या कोई डिप्रेशन या कोई एक अनोइंग वाली स्थिति अगर आपकी हो रही थी, जब मैंने इस वालों की बात करी, तो यू फील बेटर नाउ। अब आपको लगेगा कि चीज़ें संभल रही हैं, ठीक है। पहले गुरु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, कैप्रिकॉन मतलब नॉट कैप्रिकॉन, पाइसिस की बात करें, पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे थे, बट कालकुशा कुंडली में कैप्रिकॉन का स्थान है, तो कहीं ना कहीं गुरु आपको बहुत ज़्यादा कर्मा की तरह प्रदान कर रहे थे, डू योर कर्माज। अब 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील करेंगे, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अब 11th हाउस की बात करते हैं, जेमिनी वालों की, आपके 10th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, ठीक है। जेमिनी वालों की बात कर रहे हैं, जेमिनी वालों के लिए ये समय, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपकी इनकम के सोर्सेस अथाह बढ़ने की संभावना है। देखिए ऐसे कहा जाता है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उस जगह को मतलब उसको उस जगह को वो ठंडा कर देते हैं, यानी उसको कम कर देते हैं, लेकिन ये गलत, ऐसा मेरा एनालिसिस है, क्योंकि जब वो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं तो नेचुरली जहाँ बैठे हैं उस चीज़ को तो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब आपके 11th हाउस में आ रहे हैं दोनों प्लैनेट, राहु एंड गुरु सिटिंग इन 11th हाउस, जेमिनी वालों के लिए कमाई के सोर्सेज ओवरलोड तरीके से बढ़ना, इंक्रीमेंट होना, या बहुत जगहों से कमाई होना, इट कैन बी पॉसिबल। यानी कि यहाँ से भी मेरा इनकम आ रहा था तो नाउ मेरे इधर से भी इनकम आना शुरू है, अलग अलग सोर्सेज से इनकम भी आपका स्टार्ट हो सकता है, पहली चीज़ है। जैसे मैंने बताया आपके 7th हाउस और आपके 10th हाउस के ये कारक है, गुरु का इस समय ट्रांजिट करना, इस वक्त आपकी नेटवर्क बढ़ना पहली चीज़ है, बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ना कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा लव रिलेशनशिप में भी आपको इस समय बहुत है, आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत ओवरलोड तरीके से, और आपकी लाइफ में कहते ना कि आ गया और एकदम छा गया, लाइक ऐसा फीलिंग आपको फील हो सकती है। इस वक्त आपके शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 7th हाउस का मालिक आपके गुरु है, कहीं ना कहीं आपकी इस वक्त कोई प्रपोजल आ सकता है, आप शादी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये समय आपका अच्छा है क्योंकि डिजायर प्लेस पे आकर के गुरु आपके तीनों डिजायर प्लेस को कवर कर किए हुए हैं, 5th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, और 9th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो इस वक्त जो डिजायर प्लेस है वो सारी इकट्ठी होकर के गुरु जो है उसको पूरी करने के लिए आए हैं। शादी कर सकते हैं, लव अफेयर्स के लिए अच्छा है, नई क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लर्निंग प्रोसेस बढ़ सकता है, कोई नई एजुकेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। और 10th हाउस का भी स्वामी है तो वहाँ भी आपको बढ़ोतरी फील होगी। गुरु जो है जेमिनी वालों के लिए, आप वो कहते ना कि पांचों उंगलियाँ घी में और कढ़ाई में सिर कढ़ाई में, वैसी वाली आपकी स्थिति हो रही है, बहुत अमेजिंग टाइम है। आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डोनेट सम मनी, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है इसमें बताया सब तरीके से बढ़ रही है, तो डोनेट सम मनी ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा भी और आपको एक पॉजिटिविटी भी देगा। और टेम्प्रेरी गेन के लिए कोई भी काम को शुरू मत कीजिएगा, परमानेंट कीजिएगा। और इसमें ज़्यादा शादी भी हो सकती है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान स्पीड से आपके लाइफ में आए, ठीक है, क्योंकि आपके नेटवर्क को भी और आपके लव अफेयर्स को भी वो इस वक्त गुरु देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपका अच्छा होता नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी की बात चले, हो सकता है आप एंगेजमेंट करें या आप एक कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में भी चले जाएं आफ्टर अक्टूबर, इट कैन बी पॉसिबल। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ को लेकर, यस, ठीक है।
कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं, कैंसर वालों की आपके 10th हाउस में ये गुरु चांडाल योग बन रहा है, ठीक है, कैंसर वालों के लिए भी समय अच्छा है, 10th हाउस में गुरु आते हैं, तो आपके करियर को लेकर के, आपके एक स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके एक होता है ना कि नाउ आई एम स्टेबल, अब मुझे समझ आया कि क्या है लाइफ, ऐसी वाली स्थिति होगी, स्पेशली मैं करियर की बात करती हूँ तो। बट 10th हाउस में गुरु आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कर्म करना पड़ेगा, देखिए उससे आपको पीछे नहीं हटना, रेगुलरली कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने एक बार किया छोड़ दिया, बहुत अपना मतलब एकदम से 100% देना पड़ेगा तो आपको करियर में अच्छे उछाल मिल सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इस समय आपको स्टेबल जॉब मिल सकती है, और जैसे ऑलरेडी से राहुल सिटिंग इन 10th हाउस कैंसर वालों की बात करी, तो आपको इस समय पॉलिटिक्स भी अगर आप में ज्वाइन करना चाह रहे थे तो हो सकता है इसमें भी आपको अच्छी एक जगह मिल जाए, ठीक है, एक पॉलिटिशियन भी बनने के बहुत अच्छे आसार होते हैं इस समय। फादर का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फादर फिगर का ज्वाइन कर सकते हैं या उनका बिजनेस संभाल सकते हैं, हैंडओवर कर सकते हैं आपको, तो क्योंकि स्टेबल वाला एरिया नजर आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस वक्त आप सिर्फ कर्म कीजिए, कर्म कैंसर वालों की बात करती है। अब मैं बात करती हूँ कि आपके देखिए सैटर्न का भी धैर्य चल रहा है, और सैटर्न जो है 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है, तो जैसे मैंने बताया कि सैटर्न इस वक्त बहुत कर्म करवा के आपको फल देंगे, पहली चीज तो ये। उसके अलावा जुपिटर आपके 6th हाउस के और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, कैंसर वालों की बात करें तो आपको आपकी हेल्थ का, आपके फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा आपकी मदर का ध्यान भी, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक कि राहु ट्रांजिट नहीं कर जाते, मतलब थ्रू आउट आपको पूरे साल रखना चाहिए, हमेशा ही रखना चाहिए मदर फादर की हेल्थ का, लेकिन अभी जो राहु भी उसके साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु के साथ में, तो आपकी मदर का और आपके फादर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी खुद की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और चीज़ मैं कैंसर वालों को कहना चाहूँगी इस समय, क्योंकि आपके जैसे शनि का ढैया चल रहा है 8th हाउस में, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो शनि कर्म बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं इस समय आपके, ठीक है, और इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलेगी टुवर्ड्स योर करियर और योर जॉब, तो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी, शनि कंट्रोल करके चल रहे हैं आपके करियर वाले हाउस को इस समय, 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, थर्ड हाउस से देख रहे हैं आपके 10th हाउस, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि डू कर्मा तब मैं आपको फल दूंगा, समझ रहे हैं आप, तो इस समय ये चीज़ है, स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, कुछ अच्छी आई कहते ऊंचाइयाँ छू सकते हैं आप। उसके अलावा हो सकता है कि इसमें आप जगह भी परिवर्तन करें, अपने घर को चेंज कर सकते हैं, होम टाउन को चेंज कर सकते हैं, और जॉब की वजह से आपका आई कैन से बिजनेस भी नॉट बैंक प्लेस भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो इस तरह की जो अच्छी पॉसिबिलिटीज है वो आपकी लाइफ में होंगी और हो सकती है और होंगी भी डेफिनेटली, बट डू योर कर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कीप वॉचिंग योर हेल्थ, ठीक है। आपको मैं एक और टिप देना चाहूंगी कैंसर वालों को, फटाफट से बी प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को 7th हाउस से 7th एस्पेक्ट से जुपिटर है ना आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा वाला जो एरिया है वहाँ भी आपको थोड़ा अनोइंग फील हो सकता है 4th हाउस में, तो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, और अभी टूवर्ड्स योर अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो हो सकता है कि इस समय आप अच्छी ऊंचाइयाँ भी छू लें, अगर आप वर्क करते कि काम चाहिए, सब जुपिटर आ रहे हैं जुपिटर को काम चाहिए, काम कीजिए आप इस समय, ठीक है। लेट्स अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, 9th हाउस में आना, सबसे पहले तो लियोज वाले बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस समय ना, क्योंकि जो पिछले एक साल से लियोज वालों को प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे लियोज, अब 8th हाउस में जब जुपिटर चले जाते हैं तो इंसान खड्डे वाली फीलिंग फील होता है ना, तो उसको सांस आ रही है ना कुछ, उसे करना क्या, एक बहुत सारी जो है डिसीजन मेकिंग पावर लेस हो जाती है इंसान की, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि वहाँ से वो निकल करके सीधे जा रहे हैं उनके 9th हाउस में, और 9th हाउस में जुपिटर जो है वो सेचुरस आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं या कहते हैं कि पॉजिटिविटी देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं थ्रू आउट, मतलब एक तो उनका खुद का वो कारक है 9th हाउस का, वहाँ आता है उनका सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वाले जो एरिया आता है वहाँ पर गुरु जो है अपना कंप्लीट प्रॉपरली प्रभाव देते हैं 9th हाउस में, और लियोज वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस समय आपको कुछ इस तरह की वो कई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में मिल सकती है जो कि आप सोच ही रहे थे कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत ओवरलोड बेस्ट हो सकता है क्योंकि आपके खुद के फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं 5th एस्पेक्ट से, ठीक है, लव रिलेशनशिप बढ़ सकते हैं, नेटवर्क बढ़ेगा, इस वक्त आपको बहुत अच्छे एडवाइजर्स भी मिलेंगे आपकी लाइफ में, कोई गुरु मिल सकता है, कोई गाइड मिल सकता है, देखिए 9th हाउस क्या है, आपका गुरु है, आपका गाइड है, आपके वेल विशेज हैं, आपके फादर फिगर हैं, इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको दिशा दिखाएगा, दिशाहीन अगर आप फील कर रहे थे तो इस समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है,
लियो जोन की बात करें, ठीक है। उसके अलावा स्पिरिचुअल आपका नेचुरली जो स्पिरिचुअल जो लेवल है आपको वो बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं अब कितना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, मेरी सोच बदल गई, अब मैं कितना ज्यादा बेटर हो गया पहले से, ठीक है। किस्मत का साथ है तो जुपिटर तो ऑलरेडी किस्मत के देने वाले हैं, किस्मत कहते हैं किस्मत का सितारा, तो वो जुपिटर है खुद ही, किस्मत का आपको साथ मिलने वाला है बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। जुपिटर आपके 8th हाउस के आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके अलावा जो डूबा जो चीजें थी ना, जो डूब रही थी, उनको जुपिटर जस्ट निकाल के लेके आएंगे। मतलब 8th हाउस में जो डूबा हुआ था पिछले एक साल से, वहां से जुपिटर एकदम आपको एनर्जी देंगे कि वो सब चीजों को आप रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे आदमी खड्डे से निकल के एकदम जस्ट अप पे जाता है तो वो उन चीजों को रिकवर करता है। तो लियोज वालों के तो समय अथा अच्छा होने वाला है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर आपका। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ लियोज वालों को कि हो सकता है इसमें अपनी जगह भी चेंज करें। मतलब एक स्टक जो एरिया था ना, जहाँ स्टक जो एरिया होता है आदमी एकदम बंधा हुआ सा, वहां से आप निकलेंगे इस समय, और नेटवर्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे लेवल पे नेटवर्क नेटवर्क बढ़ने वाला है। इससे तब यात्राएं भी करेंगे तो स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे, अच्छे गाइड्स मिलेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए भी अगर वो इंसान आपके लाइफ में आता है, लियोज वालों की बात करें तो वो भी आपको एक गाइड के रूप में आपकी लाइफ में आएगा, यानी वो भी आपको राह दिखाएगा, पॉजिटिव इंसान ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। निगेटिविटीज का कोई वहाँ काम नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी लियोज वालों को, इस समय में हो सकता है कि आप अपने इन लॉज के उत्तराधिकारी बने, मतलब आपको वो कहते नहीं कि अब आप संभालेंगे सारा कुछ, कैन बी पॉसिबल आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़े, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, देयर इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, लियोज वालों की बात करें, वेरी गुड। सोच विचार भी आपका बहुत चेंज होने वाला है, अमेजिंग टाइम फॉर यू, अमेजिंग टाइम, ठीक है। अपने डिसीजन मेकिंग पावर को निकालिए, अपने डिसीजन लीजिए, अपनी जिंदगी को एकदम नया नई दिशा दीजिए। या दिस इज अ लाइन लियोज वालों के लिए, एक नई दिशा का की शुरुआत इस समय है। आपके करियर की बात करती हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आपके उत्तराधिकारी अगर आप बनते हैं उसकी बात कर रही हूँ, किस्मत आपको एकदम देने के लिए बैठी हुई है, तो दिस अमेजिंग, बूस्टअप मिलेगा आपको इससे, बहुत अच्छा समय है आपके, जो पुरानी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी निकल करके एकदम खत्म होने वाली है, द गुड न्यूज फॉर यू, बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की, आपके 8th हाउस में ये गुरु चांडा लोग बन रहे हैं, 8th हाउस में ट्रांसिट। वर्गोज वालों के लिए एक मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आपके जुपिटर जो है 7th हाउस के और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वर्गोज वालों की बात करूँ, यस, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वक्त आप जैसे वो 8th हाउस, वो जो एकदम डाउन और डीप वाली जो स्थिति हो रही है आपकी, वो आपको इस वक्त फील होगी, घर से बहुत डिटैच फील करेंगे इस समय। उसके अलावा आपके फैमिली की बात कर लूँ, या आपके स्पाउस की या पार्टनर की बात कर लूँ, या आपकी आपकी फैमिली, आपकी खुद की बात भी कर लूँ, इस समय जो माहौल है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 8th हाउस में जब जुपिटर आते हैं तो रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अभी मैं नेगेटिव बात बता रही हूँ आपको, वर्गोज वालों की बात, जुपिटर आए तो वो ब्लेसिंग्स ही देंगे, लेकिन कहाँ थोड़ी एक नेगेटिविटी जो आपको फील होगी। उसके अलावा वर्गोज वालों को आपके स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप और आपके मदर के साथ रिलेशनशिप, उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ भी बहुत कट ऑफ वाली फीलिंग आपको इस समय आएगी। बीमारी का भय या बीमारी का होना, बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल बीमारी होना या खर्चा होना, इस तरह की आपको आई कैन से फीलिंग आ सकती है। घर में स्ट्रक आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप फ्रूटफुल आपको नहीं नज़र आ रहे मुझे, ठीक है। तो वर्गोज वालों को ये समय जो है, इस समय कुछ नए रिलेशनशिप बनाने की तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, जो है उसे आपको संभालना पड़ेगा, पहली चीज़ सुनिए, ठीक है। इस समय जो है आप बिल्कुल एक होते ना कि ऐसा वाली स्थिति फील कर सकते हैं, जैसे नोबडी सपोर्टिंग मी राइट नाउ। जब गुरु और राहु दोनों ही इस वक्त 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ऐसी आपको फीलिंग्स आ सकती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। वर्गोज वालों के लिए समय जो है अच्छा हो सकता है, अगर आप टूवर्ड्स अपनी करियर के लिए सोचते हैं, या आप अगर कोई रिसर्च चीज़ के लिए सोचते हैं, या फिर आत्ममंथन के लिए सोचते हैं। देखिए चीज़ मैं क्या आपको बता रही हूँ, आप समझिए, जिंदगी में होता है क्या, कभी कभी हमें वक्त मिलता है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमने कभी किया ही नहीं हो। इंटरली आपको चेंज करना अपने आप को कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, दैट इज द मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए जैसे मैंने रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया था किस तरह का रिलेशनशिप आपका चलने वाला है, ठीक है। अब उस चीज़ को हटकर हम क्या कर सकते हैं, हमें बेस्ट कुछ करना है, तो हम अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 8th हाउस आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ऑलरेडी से अगर कालकुशा कुंडली की बात करती हूँ तो 8th हाउस जो है वो है स्कॉर्पियस का प्लेस, यानी कि मंगल का प्लेस है। अब वहाँ पर आपके एरियज बैठे हुए हैं, यानी कि मंगल का प्लेस है ऑलरेडी से,
अब ऑलरेडी वहां पे राहु है, अब आ गए गुरु, तो अपने आप को आप किस लेवल पर बदल सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या आपके थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपकी स्टाइल, उन सब चीजों को एक चेंज करके एक नए इंसान के रूप में आप बाहर निकल सकते हैं। दैट इज योर टाइम। वर्गो जोन की बात कर रही हूं। देखिए एट हाउस है, एट हाउस हमेशा बुरा नहीं होता, जुपिटर कभी एट हाउस में बुरे नहीं होते हैं, लेकिन जो आप उसको आप कैश कैसे कर सकते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वहां पर हर जगह आपको लैक फील हो रहा है, चाहे वो मदर का सपोर्ट सिस्टम भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा, एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है, एस्थमेटिक अटैक आपको आ सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टियां वहां पड़ रही है, ठीक है। आप स्टक हो सकते हैं, लेकिन इस समय आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जब आप इंसान अपने आप को जांचता है ना, अपने आप के अंदर की रिसर्च करता है, तो उन चीजों में वो अपने आप से नया निखार लेकर के आ सकता है। डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट इंसान ही अलग हो गए तो विद द पॉजिटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा अगर आप इस तरह के कोई बिजनेस में जा रहे हैं, इस तरह का आपका करियर है जिसमें आप कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वास्तु, टैरो कार्ड रीडर, हीलर्स, रेकी हीलर्स, तांत्रिक, इस तरह की चीज़ें भी इस समय जो है, हो सकता है आप इस तरह की कोई ट्रेनिंग लें, इस तरह का कोर्स ज्वाइन करें, और आप करेंगे तो आपको उस जो सफलता है उसका एक्सट्रीम पॉइंट आपको फील होगा, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही वहाँ बैठे हुए हैं। रिसर्च करना और एकदम ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना, ऑकल्ट जो एक एजुकेशन होती है वो एट हाउस होता है, तो वहां पर आप बहुत कुछ सीख के निकल सकते हैं इस समय। अगर आप कोई PhD करना चाह रहे थे, कोई रिसर्च करना चाहते थे, कोई साइंटिस्ट हैं आप, या किसी भी चीज के बारे में कहते ना कि आविष्कार करना, रिसर्च करके आविष्कार करना, दिस इज द टाइम फॉर यू। तो आपको एनर्जी यहां लगानी है, मेरा कहने का मतलब ये है वर्गो वालों, एट हाउस में जाके अपने आप को चेंज कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना अपनी जिंदगी, दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। आपके लिए टिप मेरे पास वर्गोज वालों के लिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि वो करना क्या है, बहुत नेगेटिविटी से बाहर भी निकलेंगे और अपना समय भी आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चीज़ें कर लीजिए कि अपनी जो एनर्जी है उसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगाइएगा, वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी को, जो आपकी एनर्जी है उसको वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तब आप उन सब चीज़ों से दूर होकर के और प्रॉपर अपना एक वे ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की, आपके सेवंथ हाउस में गुरु चांडाल योग बन रहा है और सेवंथ हाउस में गुरु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। यस यस, ठीक है। लिब्रास वालों के लिए ये जो है, ये आपके थर्ड हाउस के और आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं जो सेवंथ हाउस में आते हैं। पहली चीज तो ये कि लिब्रास वालों को एक बात बताऊं, अगर ऑलरेडी से राहु सिटिंग देयर, अब गुरु वहां आ गए, अब दोनों ही जो प्लेनेट है वो आपके सेवंथ हाउस को एकदम फैला रहे हैं, मतलब आई कैन से एक्सपेंड योर सेल्फ। सेवंथ हाउस ऑलवेज, मैं बात बताती हूँ कि आपकी स्पाउस की जगह है, पार्टनर्स की जगह है, लेकिन सेवंथ हाउस ऐसी जगह है जहाँ की लोग आपको देखते हैं कि हु यू आर। देखिए हम जब किसी इंसान को देखते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, तो मैं अपोजिट खड़ी होकर ही उस इंसान को देखूंगी, या आप लोग मुझे इस समय देख रहे हैं तो आप मेरे से टूवर्ड्स सामने हैं। तो जब सेवंथ हाउस इज आपका टूवर्ड्स सामने, जब कोई इंसान आपको या सारी दुनिया आपको किस तरह से देखती है, अपोजिशंस जो भी है, तो इस समय जो है आपका, आई कैन से दुनिया आपको एक आदर, सम्मान, एक टाइटल, एक वो कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट इन योर सोसाइटी, वो आपको मिलने की संभावना है। लिब्रास वालों की बात करें, देखिए कॉन्ट्रेडिक्टी चीज है लिब्रास वालों के साथ में, लिब्रास वालों का जो राशि लॉर्ड है वो है शुक्र। अब वो बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक होते हैं और उनका जो रिलेशनशिप लव उसको भी वो बहुत ज्यादा, आई कैन से उनका डिवोटी होता है, बट वो काफी बैलेंसिंग नेचर होता है, क्योंकि मिड वाला आपका जॉडिक साइन है, लिब्रा इज मिड इन अवर जॉरिक गार्लैंड की अगर बात करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसे बैलेंसिंग रखते हैं हर चीज़ में, चाहे वर्क हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एवरीथिंग, ठीक है। बट राशि लॉर्ड आपका वीनस है तो उस तरह की आपकी ज़्यादा नेचर होता है। अब सेवंथ हाउस में आपके दोनों प्लेनेट आके बैठ गए हैं, दोनों प्लेनेट आपको आपके वर्क चीज़ों को बूस्टअप कर रहे हैं। अगर आप अनमेरिड हैं तो 99% है कि इस समय आपकी शादी होने की चांसेस है। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपकी रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा जो कि रिलेशनशिप के लिए आएगा। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय, जैसे मैंने बताया, आपका बिजनेस का लेवल आप सोच भी सकते हैं इतना अथाह बढ़ने की संभावना है। रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, आदर सम्मान, आपकी लाइफ, आपका लोगों का थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स यू विल बी चेंज, कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, ये तो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, तो इस मतलब आई मीन पॉजिटिविटी की तरफ कैन बी होगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हाउस का भी मालिक है, आपके नेटवर्क बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, पहली चीज। उसके अलावा
आपकी जो नेटवर्किंग साइड है कि आपको माँ मुझे ये चीज ये इंसान जानता है वो इंसान जानता है, इस तरह से आपकी आदर सम्मान एक पराक्रम बढ़ने की संभावना है। आपको लव रिलेशनशिप भी आपको मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के बाद कोई इंसान आपकी लाइफ में परमानेंट सेटल भी हो सकता है। इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है और अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है अगर आप मैरिड हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दिस इज अ समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है और आफ्टर अक्टूबर तो वो समय और ज़्यादा बेटर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लिब्रा जोन की बात करें, अमेजिंग टाइम फॉर यू। एक छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहूँगी लिब्रा जोन को, पहली चीज़ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उसके अलावा टिल अक्टूबर तक कोई भी ऐसा इंसान को आपकी लाइफ में आना या उसको सीरियस कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में जाना थोड़ा सोच समझ के आप करें, क्योंकि राहुल आल्सो सिटिंग इन द सेवंथ हाउस ट्रांजिट करने से, और केतु फर्स्ट हाउस में तो बहुत हट्टी और जिद वाला आपका मूड चल रहा है। और मतलब ये कि हाँ ये मतलब वो एक क्विक वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी समय आपका अथाह अच्छा है। अगर आप बिजनेस में तो बिजनेस बहुत अच्छा फैला सकते हैं, बिजनेस के बारे में सोच भी सकते हैं, आपकी समय इनकम भी बढ़ेगी डेफिनेटली। और आपके उसके अलावा इनकम के अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी लिब्रा वालों को, इस वक्त आपको एक सेटल इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है इस समय आपके कि सेटल इनकम होना कि हाँ अभी मुझे परमानेंट इनकम स्टार्ट हो गई है। इट कैन बी पॉसिबल दिस थिंग्स, अमेजिंग टाइम फॉर यू। कुछ ऐसी जगहों से इनकम भी स्टार्ट हो सकती है जो कि आपके पार्टनर की तरफ से भी है और बिजनेस भी आपका फैलेगा। बहुत अच्छा समय, नो डाउट, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, स्कॉर्पियोज वालों के लिए आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए आपके सेकंड हाउस के और आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी गुरु हैं, ठीक है। अब वो आ गए आपके सिक्स्थ हाउस में, ठीक है, या सेकंड हाउस के और आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं, ठीक है। आपके साथ होकर है स्कॉर्पियोज वालों की बात करूँ, सबसे पहले तो सैटर्न का ढैया चल रहा है आपके, सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट्स गुरु में गुरु को अब दिखेगी। गुरु को अभी ऑलरेडी से टाइम आपका अच्छा था, फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो अब गुरु को सैटर्न जो है कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल में कहा आया, आपका मन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त गुरु को। सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अक्टूबर तक की अगर बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियो जोन की बात करूँ, क्योंकि अभी राहु भी वहाँ चल रहा है, केतु इज ट्वेल्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, पहली चीज़। उसके बाद इस समय आपको ये एक और चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ कि इसके अलावा आपको बैड हैबिट्स की तरफ भी रुझान ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा एक होता ना कि किसी के साथ भी आप खोलिए, किसी के साथ बैठ लिए, किसी के साथ भी आपने रिलेशनशिप बना लिया, तो इस बात का आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिविटी की। स्कॉर्पियोज वालों को कहीं ना कहीं आपके करियर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें, क्योंकि आपका राशि लौड़ी तो है मंगल वाली जगह पर, तो गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो साइन है वही मंगल है, दोनों का कनेक्शन दे रहा है। तो जब सिक्स हाउस क्या चीज़ है, सिक्स हाउस जो है वो आपका अर्थ क्षेत्र होता है जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, मनी, बट कर्मा क्षेत्र भी है। तो कर आपको गुरु का लाभ लेना है, मैं बात कर रही हूँ स्कॉर्पियो जोनों की, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म जो है उसका लेवल आपको हाई करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो आपको उनको लेना भी है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न यानी कि आपका मन या आपकी जो सोच विचार है वो इस चीज़ को स्टक करने की कोशिश करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो जोन को सबसे ऊपर मैं टिप देना चाहूँगी, डू मेडिटेशन एंड रिलैक्स। का जितना काम होकर के इन चीज़ों को सोचेंगे ना उतना आपकी करियर के लिए समय अच्छा है, अर्थक्षेत्र के लिए करियर समय अच्छा है। अपनी एनर्जी को अपने करियर में टूवर्ड्स आपको डालना है, पहली चीज़ हुई। उसके अलावा इस वक्त आपकी इनकम बढ़ने की बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, स्पेशली मैं अक्टूबर के बाद की बात करती हूँ। इनकम्स बढ़ने के चांसेस हैं, परिवार के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। उसके अलावा हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना और खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने में स्टमक संबंधित, डाइजेशन संबंधित इस तरह प्रॉब्लम आ सकती है, या अगर बैड हैबिट्स की तरफ आपका रुझान रहता है तो हो सकता है उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आए, तो बी अवेयर विद दिस। स्कॉर्पियो जोन की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि फादर की हेल्थ का भी ध्यान, देखिए हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको वर्क में भी आपको कुछ अच्छी ऊंचाइयाँ देने के लिए गुरु इज सिटिंग इन सिक्स। गुरु इज नॉट बैड इन सिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे राहु का इन्फ्लुएंस है, उसके अलावा आपका स्कॉर्पियोज का जो नेचर होता है दैट इज वेरी आई कैन से अग्रेसिव, तो आपके नेचर को लेकर के और अब सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स ऑल्सो गुरु के ऊपर आ रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा हेल्थ का आपको तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है।
सबसे पहले सेल्सियस वालों को अब बहुत ज्यादा आई कैन से रिलैक्सेशन वाली स्थिति फील होगी। आपका राशि लॉर्ड को गुरु है, उसके पहले फोर्थ हाउस में थे। गुरु बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते फोर्थ हाउस में, ठीक है, चंद्रमा की प्लेस है, बट गुरु जब फोर्थ हाउस में होते तो इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत बुझा हुआ रहता है, एनर्जी बहुत कम फील करता है उस समय, ठीक है। रिलेशनशिप में भी और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी उसको बहुत अनोइंग सी फीलिंग रहती है हमेशा। फिफ्थ हाउस में आगे बहुत अच्छा फील करेंगे सेल्सियस वालों के लिए फिफ्थ हाउस में गुरु का आना। वो कहते हैं ना वो वापस से उनको लाइन बोलने वाले होंगे, वो पांच उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, इस तरीके की स्थिति हो रही है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आकर के पहले तो आपका राशि लॉर्ड है, वो हर तरीके से आपको देख रहा है और आपको इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दे रहा है। एक वो कहते ना कि एक नए जीवन की शुरुआत आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस में आ गया, फिफ्थ हाउस के गुरु आना का आना, फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके नाइन्थ हाउस को देखना, इलेवंथ हाउस को देखना और आपको खुद को देखना नाइन्थ एस्पेक्ट से, तो ये जो डिजायर प्लेस वो कवर कर रहा है और आपको किस्मत का धनी बना रहा है। आपके बिजनेस में ऊंचाइयाँ, इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी। इसके पहले सेल्सियस वालों के लिए इनकम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज केतु इज सिटिंग इन इलेवंथ हाउस, तो कहीं ना कहीं इनकम में कट ऑफ ही आप फील करते हैं। लेकिन अब सिनेरियो जो है कंप्लीट चेंज होगा आपका। सबसे पहले आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, वो डलनेस, वो एक वो डाउननेस, वो सबसे आप बाहर निकलेंगे, स्पिरिट से बाहर निकलेंगे, जस्ट एकदम एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एरीज में गुरु आ रहे हैं, फिफ्थ हाउस में गुरु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पावर फील करेंगे, आपकी पावर वापस आपको फील होगी इस समय, बहुत अच्छे लेवल पर पावर फील होगी, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर। इस वक्त आप वो उन सब चीजों को जनरेट करेंगे जो लैक हो गई थी, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी क्रिएटिविटी हो, आपका लर्निंग प्रोसेस, आप विदेश में जा सकते हैं, उसके अलावा आप एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी नई कोई कॉलेज में एडमिशन लेना या कोई अच्छा कोर्स सीखना या स्पिरिचुअल चीजों में आगे बढ़ना, दिस इज अमेजिंग थिंग। इस समय आप कोई मंत्रास भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कोई माला जपना, कई लोग होते हैं कि बहुत अच्छे मंत्रास करते हैं तो उस समय जा सकते हैं। इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी नो डाउट, आपका माइंड भी वॉश आउट हो जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, एक एनर्जी की तरफ, एक टूवर्ड्स एक होता है ना गुडनेस की तरफ, दैट इज माई लाइफ, ऐसी फीलिंग आई है। बहुत ज्यादा अच्छा समय है और अक्टूबर के बाद को समय आपका अथाह अच्छा होने वाला है। सेल्सियस वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी पावर को आप एक्सप्लोर कीजिए, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। आपके लिए सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी टिप एज ए टिप, वो ये है कि बी स्पीकर। और लव रिलेशनशिप में भी अक्टूबर तक थोड़ा सा ये नहीं कि आप किसी के साथ में डेटिंग पे चले जाएं, इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज ये समय जो आपका वो कहते ना कि एक वो क्रीम पीरियड कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट या यू टर्न इन योर लाइफ इन पॉजिटिव वे, दिस इज अमेजिंग टाइम। गुरु आपको बहुत कुछ देकर के जाएंगे, इस समय स्टेबल लाइफ देकर जाएंगे, एक नई क्रिएटिविटी, नए आयाम इन योर लाइफ, अमेजिंग टाइम, ठीक है। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले बताऊँ कि आपको आपकी हेल्थ का, आपकी मदर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ऑलरेडी से राहु इज सिटिंग देयर, और जुपिटर जैसे ही वहां पर आए हैं तो जुपिटर, मैंने ऑलरेडी से बोला कि जुपिटर इज नॉट गुड इन फोर्थ हाउस, पहली चीज। अब राहु और जुपिटर बैठ करके आपके फोर्थ हाउस को एक्सपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, पहली चीज है, होम टाउन बदल सकते हैं, शहर चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आपको आपके वर्क की वजह से कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, काम की वजह से, ठीक है। उसके अलावा एक चीज कहने वाली थी मैं आपकी कि आपको इस समय नए इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना, पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मनी जो है एकदम लैक डूब गया, आपका जो सेविंग्स था, आपकी जो फिक्स एसेट थी, आपने जो जोड़ा हुआ पैसा था, उस सब चीजों को आपको बहुत संभाल के समय रखना पड़ेगा। पहली चीज है खर्चा बढ़ना, बीमारी बढ़ना, अनावश्यक चीजें डूबना, अनावश्यक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, ये सब चीजें हो सकती है। उसके अलावा हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स भी इस समय आपको हो सकती है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय नहीं अच्छा है, आपको बहुत अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। आपका राशि लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट भी फोर्थ हाउस में आ रही है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न इन सब चीजों को बहुत ओवरलोड तरीके से कंट्रोल कर रखा है। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय तो नजर नहीं आ रहा, आप बहुत यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ इवन, आप एक कंफर्टेबल होता है ना इंसान घर बैठा है, रिलैक्स है, अभी काम नहीं, ऐसा कुछ भी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी यू कैन फील, यू कैन सांस वाली प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, बहुत ज़्यादा करियर में उठापटक नहीं करनी है कि मेरे को ये कंपनी जम गई तो मैं आई जम्प दिस कंपनी और मैं जी ये अच्छा पैकेज मिल गया, वो लालच वाले एरिया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज वो पुरानी कंपनी से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बैड हैबिट से भी दूर रहिए, दिस इज नॉट अ गुड टाइम। स्मोकिंग वगैरह जैसे अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो इससे भी आपको, मेडिटेशन कीजिए, खूब पानी पीजिए और रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा जंपिंग करना, इन्वेस्टमेंट कर देना या कोई कोई भी चीज़ खरीद लेना, इस चीज़ को भी अवॉइड आपको करना है। फोर्थ हाउस में गुरु है विथ राहु, तो नॉट अ गुड प्लेस। जैसे मैंने बताया कि जगह भी चेंज हो सकती है, अपना घर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फैसला आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, कभी कोई सवाल की बात, ठीक है। एक्वेरियस की बात कर रही हूँ, आपकी ये थर्ड हाउस में ट्रांसिट कर रहे हो, यानी कि गुरु चंद्र लोग बन रहे हैं। अब एक्वेरियस वालों के लिए हो क्या है, वो कहते हैं ना कि बस आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वैसे सबसे पहले तो आपको फीलिंग आने वाली है। उसके अलावा इससे आपका पराक्रम बढ़ने के अथाह आसार है। देखिए पुस्तक मिल रहा है आपको अमेजिंग तरीके से। अब एक्वेरियस वालों को मैं सबसे पहले पॉजिटिव बातें बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी आपको एक नेगेटिव चीज, और उसकी वजह से जो आपकी ये सारी जो चीज है, जो गुरु यहाँ थर्ड हाउस में आ रहे हैं, गुरु इज नॉट गुड इन थर्ड हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मरकरी का प्लेस होता है इन कर्मशो ओनली, बट राहु भी है और गुरु आ रहे हैं, ठीक है, एरीज में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा पराक्रम बढ़ने की संभावना है, अच्छी आप एक सफलता प्राप्त करेंगे इन योर एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इससे आपकी शादी होने के चांसेस हैं, इनकम बढ़ने के चांसेस हैं, डेस्टिनी साथ दे रही है, आपको चारों तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम आकर के खड़ा हो गया है, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे पार्टनर्स हो, या आपकी सोसाइटी हो, किस्मत हो, ईश्वर की तरफ से आपको, डेस्टिनी का मतलब होता है ईश्वर, तो किस्मत आपको साथ दे रही है, आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस है, इनकम नहीं स्टार्ट हो सकती है। डिजायर प्लेस को कंट्रोल कर रखा है गुरु ने आपकी सारे डिजायर प्लेस को, थर्ड हाउस में बैठ गए हैं, सेवंथ हाउस को कंट्रोल कर रखा है, इलेवंथ हाउस को कंट्रोल कर रखा है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसमें, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अथवा किन से सपोर्ट सिस्टम बताया, चमू ओर से आपको सफलता या सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। आप अगर जैसे कहते हैं मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना आप ले लेंगे, इस तरह की स्थिति हो रही है एक्वेरियस वालों। आपके दोस्त भी मिलेंगे, आपको बनेंगे या सर्कल ही बनेगा, तो वहां भी वो सारे एक स्पिरिचुअल वाले बनने वाले हैं, स्पेशली अक्टूबर के बाद उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है, अब वो बनने वाले हैं। उसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ेगा, यू आर ए आदर सम्मान बढ़ने की आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा क्यों, बिकॉज ऑफ यू आर वेरी एजुकेशन पर्सन, ठीक है, जब गुरु आते हैं, गुरु पराक्रम देते हैं, तो आपको एक पॉजिटिविटी तरीके से लोग देखते हैं कि हाँ इट्स ए पॉजिटिव पर्सन, वेरी पॉजिटिविटी तरीके से आपका आदर सम्मान बढ़ता है, यानी कि अच्छाई के रूप में आपकी इमेज सोसाइटी में या चारों तरफ जो है सराउंडिंग लोगों में भी अच्छे लेवल पर बढ़ेगी। एक रेस्पेक्ट का बढ़ना, एक अच्छी डिग्निटी मिलना, टाइटल मिल जाना आपको, या कोई एक आपको ओहदा मिलना, दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। ट्रिप लगा सकते हैं, हो सकता है विदेश जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है, नई लर्निंग प्रोसेस, नई एजुकेशन को हासिल करना विदेश में जाकर के भी, या आप जहाँ रहते हैं वहां भी, तो दिस इज अमेजिंग टाइम, अच्छी जगह आपका एडमिशन होना, बहुत कुछ अच्छी चीजें आपकी बात हो सकती है और होने वाली है। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, हमें एक छोटी चीज जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और सैटर्न आपको थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है आपके थर्ड हाउस में, ठीक है। अगर आपकी सोच विचार में थोड़ा सा भी गलती हुई तो ये सारा पराक्रम आपका निगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज जैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी राहु भी बैठा है थर्ड हाउस में पहली चीज हुई, और सैटर्न है, सैटर्न ने जैसे ही आपका थॉट फर्स्ट हाउस में बैठा है थॉट दे रहे हैं, और एक्वेरियस का तो स्वामी खुद ही सैटर्न है, सब कुछ देने के लिए आया है एक्वेरियस, सब कुछ दे रहा है। एक्वेरियस के साइन को अगर आप देखते हैं ढंग से तो आपको देखा कि एक बंदा है वो पूरा एक वो पॉट लेकर के और पूरा डाल रहा है, यानी कि वो सब कुछ दे रहा है आपको, बट सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न कंट्रोल कर रहा है उस चीज को कि क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना है, सोच विचार खुले रखिए, अपना दिमाग सीधा रखिए और कर्मों में विश्वास रखिए, तब तो ये समय जो है आपका अथाह अच्छा है, आपको कोई नो बड़ी विल स्टॉप यू इज दिस अगला एक साल, ये ध्यान रखिएगा। एक पर्सन की बात कर रही हूँ, सैटर्न आपका राशि लॉर्ड है फर्स्ट हाउस में बैठा है और इस वक्त जुपिटर आके थर्ड हाउस में आपके बैठा है विथ राहु, ठीक है, तो इस समय तो आपको जो प्लैनेट्स है वो दोनों हाथों से आपको देने के लिए आए हुए हैं, बट आपको करना क्या है, अपना दिमाग क्लीन रखिएगा, किसी भी तरह का फ्रॉड षड्यंत्र या वो कहते ना कि निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, यानी निगेटिव वर्क आपको नहीं करना चाहिए, तब आपके लिए लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का क्रीम पीरियड आई कैन से फॉर होल योर लाइफ, क्योंकि आपको 13 साल बाद जब जुपिटर वापस ही यहां पर आएंगे तो सैटर्न यहां पर मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, तो दिस अमेजिंग टाइम फॉर यू, बस सोच विचार के चलना है, ठीक है, डू योर कर्मास। अब बात करती हूँ फाइनली पाइसेस वालों की, पाइसेस वालों के तो फर्स्ट हाउस में ये सेकेंड हाउस में ये हो रहा है, सेकेंड हाउस में पाइसेस वालों के लिए गुरु चंडा योग बन रहा है और जुपिटर आ रहा है। पहली चीज तो ये कि कहीं ना कहीं जुपिटर अभी अक्टूबर तक की अगर स्थिति में बताती हूँ
तो आपका देखिए सेकंड हाउस क्या, सेकंड हाउस आपका बैंक प्लेस है, आपकी फैमिली है, तो वहां पर आपका जुपिटर का आना एक कट ऑफ फ्रॉम योर फैमिली होता है जी। जुपिटर सेकंड हाउस ही कारक होता है, डेफिनेटली कारक होता है, बट कहीं ना कहीं जब फैमिली वाली बात आती है तो वहाँ आपको कट ऑफ फील हो सकता है, चीजें डूबती हुई नजर आएगी। उसके अलावा आपकी सेविंग्स का आपको इस वक्त ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी सेविंग्स क्या कर रही है, ठीक है। हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज है हेल्थ में आपको किसी भी तरह की नेगलेसी नहीं लेनी है। उसके अलावा जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के कारक है और आपके यस फर्स्ट हाउस के कारक है जुपिटर आपके और आपके इलेवेंथ हाउस के कारक है, सॉरी टेंथ हाउस के कारक है, यस टेंथ हाउस के कारक है। तो इस समय आपके करियर से संबंधित कुछ अच्छी आपको पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको हेल्थ की बात कर रही हूँ और सेवन एस्पेक्ट्स आपके एट हाउस को भी देख रहे हैं जुपिटर से, तो कहीं ना कहीं आपको वो डूबत हुई चीजें नजर आएगी कि चीजें डूब रही है। मैं आपके बैंक प्लेस की बात कर लूँ, फैमिली से रिलेशन की बात कर लूँ या आपकी हेल्थ की बात कर लूँ, आपको इन सब चीज़ों में वॉच करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस में गुरु है कारक है इट्स ओके, बट वो जब जो दृष्टियाँ उनकी पड़ रही है सिक्स में एट्थ में टेंथ में, तो वो सारी दृष्टियाँ मिलकर के आपको कर्म करने के लिए बाध्य कर रही है। सेकेंड हाउस आपका अर्थ क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, और नाइन्थ हाउस नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके टेंथ हाउस को देख रहे हैं जुपिटर से में, और वहाँ के कारक भी है, ठीक है, मतलब वहाँ के लॉर्ड भी हैं आपके फर्स्ट हाउस के और आपके नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब आपके सेकेंड हाउस में आपका सोच विचार देखिए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में आ गए, आपका सोच विचार है वो जो है वो टूवर्ड्स चीजों को संभालने में लगाइए इस समय, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका मनी मैटर हो, चाहे आपका जॉब हो, चीजों को आपको संभालना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट करना, नई जॉब में जंप करना या अपनी हेल्थ के प्रति नेगलेसी बरतना इस समय जुपिटर वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें हो सकता है आप कोई जिम वगैरह में ज्वाइन करें, हेल्थ का ध्यान रखें या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन तीनों फेराज में जो है जो मैंने फ्रेंड्स बताए हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु ऑल्सो सिटिंग सेकंड हाउस में, और जैसे मेरे राहु भी जाते हैं उसके बाद भी जुपिटर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टियों की वजह से आपको सारे अपने फील्ड उनको कवर करना पड़ेगा। उसके अलावा अर्थ क्षेत्र है, आपको हो सकता है अच्छी जॉब मिले, नई अपॉर्चुनिटीज मिले, या आप अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं इस समय, हो सकता है अपनी जगह चेंज करने जाए, ट्रांसफर आपका हो सकता है, दैट इज कैन बी पॉसिबल। बट जैसे मैंने आपकी हेल्थ और नया इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, चीजें डूबती हुई या हेल्थ पे बहुत ज्यादा आपको कर्मा, देखिए कर्मा जगह जुपिटर बैठे हैं पाइसेस वालों की बात कर रही हूं, और आपके सिक्स हाउस को और आपके टेंथ हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कर्मा का एक ट्राइंगल आपके बन रहा है जुपिटर की एस्पेक्ट से भी, और लॉर्ड भी है तो, और आपके फर्स्ट हाउस स्वामी है, तो आप सिर्फ कर्म कीजिए इस समय, आपको गेनिंग नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली जो गेनिंग की आप आशा कर रहे थे। अपने नेचर का ध्यान रखिएगा, बहुत हर्ट होना या गुस्सा होना, इगोस्टिक होना या नाराज हो जाना, या आई कैन से रिलेशंस के लिए आपके नेचर को आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वैसे फर्स्ट हाउस को स्वामी है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, टूवर्ड्स योर हेल्थ, टूवर्ड्स योर जॉब। कर्म कीजिए इस समय, सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि सैटर्न आपके ट्वेल्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सेकेंड हाउस, तो बैंक प्लेस तो बढ़ने की संभावना है ही नहीं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, हेल्थ की बात करूँ, ठीक है। वे वाले स्थान पर भी सेटल बैठा है, तो कहीं ना कहीं और थर्ड स्पेक्ट देखें तो कहीं ना कहीं जा रहा है हाथ से, चीज़ें निकल रही है तो माइंड, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो था आप सभी के लिए, इट्स अ लॉन्ग वीडियो और डेफिनेटली मैं टाइम स्टैम्प लगाने वाली हूँ सभी के लिए, ताकि आप देख सके प्रॉपरली इसको। उसके अलावा सारे जोड़े चैनल को एक फाइनली टिप मैं देने जाने वाली हूँ, वो ये है बी स्पिरिचुअल। कोई भी चीज़ को निगेटिव वे में जाना या थॉट प्रोसेस को चेंज करना या गलत तरीके से कोई भी चीज़ को अपनाना, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, कुछ भी हो, आपका बिजनेस हो, जॉब हो, प्रॉपर्टी हो, नेवर डू दिस। इस वक्त जुपिटर बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आप सभी के पास में आ रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में है, आ रहे हैं, यानी जो लीडरशिप जगह पर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को कैश कीजिए एंड बी स्पिरिचुअल एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। So stay blessed and keep watching my video and vlogs and